हेलो एवरीवन, आई एम हिरण्मय। एंड जैसे कि डिस्कशन कर रहे थे माइक्रोबायोलॉजी पोर्शन का, गेट के लिए जितने भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, तो आज का जो मैंने टॉपिक का डिस्कशन रखा है, दैट इज़ प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, दैट इज़ रिलेटेड टू काइंड ऑफ सेल बायोलॉजी। बट प्रोकैरियोटिक के केस में जितने भी टाइप ऑफ एडिशनल फीचर्स हैं, जैसे सेल वॉल, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, एंड कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जहाँ से क्वेश्चन हर वक्त आता है, सो दैट टॉपिक वी विल डिस्कस, लाइक फ्लैजेला, पीली, कैप्सूल, ये पूरा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। और गेट का हर एक पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा, और 20 मिनट्स हम पूरा टॉपिक डिस्कशन करेंगे एंड उसके रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोकैरियोटिक सेल। अब टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोकैरियोटिक सेल, आप अगर बाहर से अंदर की तरफ जाओगे, जैसे सेल वॉल से कैप्सूल, कौन कौन से, कोई कोई बैक्टीरिया में कैप्सूल प्रेजेंट रहता है, कोई कोई में नहीं रहता। तो इफ यू स्टार्ट फ्रॉम कैप्सूल टू द इनर साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन टू द न्यूक्लियस टू द न्यूक्लियर, बेसिकली नोन एज द न्यूक्लियर, तो एक ओवरव्यू ये फिगर से आपको मिल जाएगा कि बैक्टीरिया के अंदर क्या क्या प्रेजेंट हो सकता है। दिस इज अ टिपिकल, ये हर मैंडेटरी नहीं है कि हर बैक्टीरिया में फ्लैजेला रहेगा, हर बैक्टीरिया में पाइलस रहेगा। सो इट्स अ काइंड ऑफ टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। तो हमने हमारा जो डिस्कशन शुरू होगा, दैट विल स्टार्ट फ्रॉम द सेल वॉल। अब सेल वॉल क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, ये पहला टॉपिक, सेल वॉल क्यों इंपॉर्टेंट है, गेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इन द सेंस क्वेश्चन हर साल आपको दिखेगा। तो स्टार्ट फ्रॉम सेल वॉल। अब सेल वॉल में क्या होता है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बेस्ड ऑन द ग्राम स्टेनिंग। अब ग्राम पॉजिटिव में बहुत सिंपल चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, दैट इज द सेल वॉल इज थिक, जो पेप्टाइड ऑयलेकन का लेयर है, दैट इज कंसिस्ट ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन, एन एसिटाइल म्यूरमिक एसिड। तो एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन और एन एसिटाइल म्यूरमिक एसिड बना के क्या बनाता है, पेप्टाइड ऑयलेकन। सो द क्रॉस लिंकिंग बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज रहता है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। पर अभी एक चीज़ आपको याद रखना है, ये फिगर, दिस सेल वॉल इज थिक इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, इन कंट्रास्ट आप देखेंगे अभी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जब आएंगे, उसके कंट्रास्ट में ग्राम पॉजिटिव का सेल वॉल बहुत थिक होता है। और एक बहुत क्रिटिकल पॉइंट आता है ग्राम पॉजिटिव के पास, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जब हम डिस्कस करते हैं, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ टीकोइक एसिड। अब इस टीकोइक एसिड का 2-3 पॉइंट आपको याद रखना है, दैट टीकोइक एसिड आर द पॉलीमर ऑफ ग्लिसरॉल और राइबिटोल जॉइंड बाई फॉस्फेट ग्रुप। जो टीकोइक एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर है ये, आप फॉस्फेट बीच में देख सकते हैं, उसके साथ साथ ग्लिसरॉल और एट साइड चेन, जैसे ग्लिसरॉल देख रहे हैं और उसके साथ साथ फॉस्फेट रहता है। तो अभी आपको एक पॉइंट हो गया आपका टीकोइक एसिड का, दैट इज इट इज कंसिस्टेड ऑफ पॉलीमर्स ऑफ ग्लिसरॉल एंड राइबिटोल जॉइंड बाय फॉस्फेट ग्रुप। और उसके साथ साथ जैसे आप ये फॉस्फेट प्रेजेंस है, जैसे डीएनए में फॉस्फेट नेगेटिव चार्ज इंपार्ट करते हैं, सेम चीज इसमें भी फॉस्फेट क्या करते हैं, नेगेटिव चार्ज इंपार्ट करते हैं। टीकोइक एसिड एक्सटेंड अबव द पेप्टाइड ऑयलेकन लेयर एंड बाइंड कैटायन सच एज मैग्नीशियम। अब ये नेगेटिवली चार्ज है तो क्या करेंगे, बाइंड करेंगे पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज कोई भी स्पीसीज से, जैसे यहाँ पे क्या बाइंड करते हैं, पॉजिटिव चार्ज कैटायन मैग्नीशियम। अब ये मैग्नीशियम क्या है, एसेंशियल फंक्शन, इट्स एक्ट एज रिजर्वायर ऑफ दिस कैटायन, रिजर्वायर इन द सेंस नेगेटिव पॉजिटिव इंटरेक्शन से वो कैटायन बाउंड होता है सेल सरफेस पे। सपोज ये नेगेटिव चार्ज है तो मैग्नीशियम आके आराम से बाइंड कर सकता है, तो ये ढेर सारा मैग्नीशियम अगर बाइंड कर पाता है, सो एज वी ऑल नो दिस डाइवेलेंट कैटायन, कोबाल्ट, मैग्नीशियम, निकल, दिस आर द एसेंशियल फैक्टर्स दैट मॉड्यूलेट द एंजाइम एक्टिविटी। तो हमने अभी तक 3 पॉइंट डिस्कस किया, टीकोइक एसिड नेगेटिवली चार्ज है, ये आप अच्छे से पढ़ लीजिए, टीकोइक एसिड नेगेटिवली चार्ज है, ग्राम पॉजिटिव में प्रेजेंट है, ठीक है। और टीकोइक एसिड का जो पॉलीमर है, जो मेन बैकबोन है, दैट इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लिसरॉल और राइबिटॉल, और फॉस्फेट है, फॉस्फेट इन द सेंस फॉस्फेट प्रेजेंट है तो नेगेटिवली चार्ज है। मैं फिर से बता रहा हूँ, टीकोइक एसिड इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। एंड सेकंड चीज़ देखिए, यहाँ पे देखिए टीकोइक एसिड ऐसे सेल वॉल आपका जो पेप्टाइड ऑयलेकन लेयर है, दैट इज कंपोज ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन एंड एन एसिटाइल गैलेक्टोजन। अब उसके साथ साथ देखिए, एक है खाली सेल वॉल पे बाउंड है, दैट इज टीकोइक एसिड, और उसके साथ साथ अगर लिपिड मेम्ब्रेन, ये बाइलेयर लिपिड मेम्ब्रेन, जैसे कि आप सब जानते हैं बैक्टीरिया में भी सेल मेम्ब्रेन रहता है, सो इफ दिस टीकोइक एसिड इज एंकर्ड टू दिस लिपिड मेम्ब्रेन, दैट इट इज नोन एज दिस लाइपोटीकोइक एसिड। कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, एक खाली सेल वॉल में ही है, दूसरा सेल मेम्ब्रेन में भी थोड़ा पार्ट है, सो दिस इज नोन एज द लाइपोटीकोइक एसिड। एक ओवरव्यू है बैक्टीरियल ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल का, दिस इज अ वेरी गुड पिक्चर एक्चुअली। तो और एक चीज़ आपको मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, ये पेरिप्लाज्मिक स्पेस इन कंटेक्स्ट बैक्टीरिया ही आता है, क्योंकि बैक्टीरिया और सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होता है, एक पेरिप्लाज्मिक स्पेस रहता है। पेरिप्लाज्मिक स्पेस इज द स्पेस बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट पेरिप्लाज्मिक स्पेस। ये टर्मिनोलॉजी आप बहुत जगह सुनेंगे, ठीक है। तो हो गया ग्राम पॉजिटिव का, ग्राम पॉजिटिव में ज़्यादा कुछ नहीं है, एक ही चीज़ है जो जहाँ से क्वेश्चन आता है, टीकोइक एसिड, ओके। एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि हमने बोला कि एन एसिटाइल म्यूरमिक एसिड और एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन, इसका जो लिंकेज है, दैट इज बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, और बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज यहाँ पे आपका जो पेनिसिलिन काम करता है, पेनिसिलिन जो काम करता है, दैट इज इट इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ दिस पेप्टाइड ऑयलेकन सिंथेसिस, सो इट्स एक्ट्स एज ए, हम जैसे कि जानते हैं एंटीबायोटिक है, सो ये सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं, ओके। एंड देखिए ग्राम पॉजिटिव में और एक चीज़ होता है, जो आपका जो रिपीटेड यूनिट ऑफ पेप्टाइड ग्लाइकन लेयर है, उन दोनों के बीच में एक पेप्टाइड इंटरब्रिज रहता है,
दैट इज कंपोज ऑफ ग्लाइसिन और इन केस ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया दिस टू पेप्टाइड चेन इन एसिटाइल म्यूरमिक एसिड और इन एसिटाइल ग्लूकोसामिन का एक जो चेन होता है जो क्रॉस लिंकिंग कराता है दैट इज नॉट अ डायरेक्ट क्रॉस लिंकिंग दैट इज वीआई पेप्टाइड इंटरबीथ इन कंट्रास्ट टू ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जैसे कि आप देख पाएंगे यहाँ पे डायरेक्ट लिंकेज होता है और जो अमीनो एसिड इन्वॉल्व है दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट दैट इज एलेलानिन डी ग्लूटामिक एसिड मेसोडाइमिनोपिमेलिक एसिड डी एलानिन अब दिस थिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट बिकॉज ये मेसोडाइमिनोपिमेलिक एसिड दिस इज अ टिपिकल फीचर्स ऑफ बैक्टीरिया ये आपको दूसरी जगह पर नहीं मिलता तो मेसोडाइमिनोपिमेलिक एसिड डी ग्लूटामिक एसिड ए लैक्टिक एसिड ओके अब देखते हैं हम ग्राम नेगेटिव तो ग्राम पॉजिटिव में मैंने क्या दो पॉइंट बताया मैं फिर से हाईलाइट कर रहा हूँ एक आपको टीकोइक एसिड के बारे में पढ़ना है टीकोइक एसिड सेकेंड चीज जो लिंकेज होता है दैट इज नॉट डायरेक्ट लिंकेज बिटवीन द पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर बिटवीन नैग एंड नैम पॉलीमर ये नैग एंड नैम हो गया तो इसके बीच में जो पेप्टाइड है दैट इज वीआ ग्लाइसिन इंटरमीडिएट पेप्टाइड लिंकेज इन कंट्रास्ट ये दो पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट ये दो पॉइंट आपको पूछा जाएगा एग्जाम में और इससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है अब ग्राम नेगेटिव में क्या होता है देखिए ग्राम नेगेटिव में जो टिपिकल ग्राम नेगेटिव है उसमें क्या होता है एक आउटर मेम्ब्रेन रहता है एक पेप्टाइडोग्लाइकन रहता है एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन उधर भी था खाली उसका जो पेप्टाइडोग्लाइकन था वो थिक था और उसके बाहर आपका आउटर मेम्ब्रेन नहीं था ये ग्राम पॉजिटिव में था इन कंट्रास्ट टू ग्राम नेगेटिव यहाँ पे देखिए एक नया चीज़ ऐड हुआ दैट इज़ आउटर मेम्ब्रेन अब नया चीज़ ऐड होने के पीछे कुछ कारण रहना चाहिए ये जो आउटर मेम्ब्रेन है आपका तो दिस आउटर मेम्ब्रेन एक्चुअली कॉन्फर्स वेरी एडिशनल फीचर्स टू ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जैसे कि आप सब जानते हैं जो मेजर प्रॉब्लम जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है दैट दे बिलोंग्स टू मोस्ट ऑफ देम नॉट आई एम नॉट सेइंग दैट ऑल ऑफ देम आर ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बट मोस्ट ऑफ देम आर ग्राम नेगेटिव तो दिस इज आर टिपिकल डायग्राम ऑफ ग्राम नेगेटिव सेल वॉल बहुत डरने की कोई बात नहीं थोड़ा थोड़ा करके समझते हैं दैट इज साइटोप्लाज्म में सब जानते हैं एक आपका रहेगा पेप्टाइडोग्लाइकन पेप्टाइडोग्लाइकन का जो लेयर होगा वो थिन होगा दैट विल बी थिन इन कंट्रास्ट टू ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इट विल बी थिक यही मेजर डिफरेंस है और उसके साथ साथ आपका जो लाइपोपॉलीसेकेराइड मेम्ब्रेन है ये देखिए एलपीएस अब एलपीएस का जैसे मैंने बोला आउटर मेम्ब्रेन ये जो कंसिस्टेंट है देखिए ये आउटर मेम्ब्रेन है और इन दोनों के बीच जैसे मैंने बोला ये पेप्टाइडोग्लाइकन और उसके साथ साथ ग्राम नेगेटिव में क्या होता है जो पेरिप्लाज्मिक स्पेस होता है उनको क्या बोला जाता है आउटर मेम्ब्रेन और आपका जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है इनकेस इनके बीच में जो स्पेस है उसको पेरिप्लाज्मिक स्पेस बोला जाता है उसके साथ साथ देखिए ये जो आउटर मेम्ब्रेन है आउटर मेम्ब्रेन में आउटर मेम्ब्रेन इज कंसिस्टेड ऑफ लिपिड ए कोर पॉलीसेकेराइड और एंड ओ एंटीजन लिपिड ए कोर पॉलीसेकेराइड एंड ओ एंटीजन इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हैं देखिए एलपीएस लाइपोपॉलीसेकेराइड जैसे मैंने बोला लाइपोपॉलीसेकेराइड दिस होल पार्ट इज नोन एज लाइपोपॉलीसेकेराइड जो आउटर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है लाइपोपॉलीसेकेराइड इज पार्ट ऑफ आउटर मेम्ब्रेन अब लाइपोपॉलीसेकेराइड क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं चलिए हम पढ़ते हैं लाइपोपॉलीसेकेराइड इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंडोटॉक्सिन ये पॉइंट आपको याद रखना है एंडो मीन्स इनसाइड ऑल्सो इज एलपीएस इज एक्चुअली कंपोनेंट ऑफ द एनवेलप दो इट इज नोन एज एक्चुअली प्रेजेंट इन द कंपोनेंट ऑफ एनवेलप बट इट इज कॉल्ड एज एंडोटॉक्सिन अब इनके जो मेजर पार्ट्स हैं दैट इज लिपिड ए कोर पॉलीसेकेराइड एंड ओ एंटीजन इनके बारे में डिस्कस करते हैं क्योंकि यही जो पार्ट है दिस इज द ग्राम नेगेटिव जैसे मैंने बोला ग्राम पॉजिटिव में टीकोइक एसिड से क्वेश्चन आता है ग्राम नेगेटिव में आपको एलपीएस से क्वेश्चन पूछा जाएगा दैट इज लिपिड ए क्या करते हैं यहाँ स्ट्रक्चर देख के बता सकते हैं लिपिड ए क्या कर रहा है इसको एंकर कर रहा है ये जो पूरा लाइपोपॉलीसेकेराइड है दैट इज दे इट इज एंकर्ड बिया दिस लिपिड ए ये जो पोर्शन है नीचे की तरफ आप देख रहे हैं दिस इज नोन एज लिपिड ए उसके साथ साथ जो ओ एंटीजन है ओ एंटीजन कहाँ रहता है एकदम बाहर की तरफ वेरीज इन लेंथ एंड कंपोजिशन इन द बेसिस ऑफ ओ एंटीजन आपको क्या होता है इकोलाई जैसे यहाँ पे एक नॉमिनक्लेचर है O157 ओ एंटीजन के बेसिस पे आपका जो कैरेक्टरिस्टिक्स इकोलाई का जो पैथोजेनिक स्ट्रेन है उसको डिटरमाइन किया जाता है तो इट मेक्स दिस ओ एंटीजन वेरी टिपिकल और ये क्या होता है वेरी करता है अमंग डिफरेंट स्पीसीज सो इट इज नॉट अ कॉन्स्टेंट दिस होल पार्ट इज कॉन्स्टेंट दिस कोर पॉलीसेकेराइड एंड लिपिड ए बट दिस ओ एंटीजन इज नॉट अ कॉन्स्टेंट पार्ट और उसके साथ साथ कोर पॉलीसेकेराइड में आपको ये थोड़ा टिपिकल जो शुगर्स हैं जैसे हेप्टोज और कीटो डाइऑक्साइड केडीओ दिस टाइप ऑफ शुगर आर प्रेजेंट इन कोर पॉलीसेकेराइड विच इज़ अ वेरी टिपिकल इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ये टू कीटो डाइऑक्टेनॉइक एसिड हेप्टोज हेप्टिडोज ये जो शुगर्स हैं HEP एंड KDO ये आपको याद रखना है टिपिकली इट्स नॉट दैट आस्क टू मच टाइम बट याद रख सकते हैं एज ए इन केस क्योंकि ग्राम नेगेटिव में एक ही चीज़ है दैट इज दिस LPS द होल कंसेप्ट कम्स अराउंड LPS और उसके साथ साथ देखिए जैसे मैंने बोला पैथोजेनिक बैक्टीरिया एलपीएस क्या होता है आपका जो ओ साइड चेन है दैट इज वेरिएबल एंड दैट एलिसिट इम्यून रिस्पॉन्स जो ओ साइड चेन है दैट इज वेरिएबल एंड इट एलिसिट इम्यून रिस्पॉन्स अब इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं सपोज टू बी अ पार्ट जैसे मैंने बोला एलपीएस एक्ट्स एज एंडोटॉक्सिन सो इट इज टॉक्सिन इट एक्ट्स एज एंडोटॉक्सिन एंड दिस ऑल्सो प्रेजेंट दिस ओ साइड चेन एक्चुअली हैव दैट इम्यून रिस्पॉन्स जनरेटेड बाई होर्स सेल सो इट्स एक्ट्स एज ए इम्यूनोजेनिक सब्सटेंसेस ओके
अब देखिए जैसे मैंने लिपिड ए का जो पोर्शन है दैट एक्ट्स एज ए एंडोटॉक्सिन, ये एक पॉइंट हो गया। तो जो लिपिड ए है, मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर लिख रहा हूँ ग्राम नेगेटिव का, लिपिड ए है दैट एक्ट्स एज ए एंडोटॉक्सिन, ठीक है। उसके साथ साथ देखिए ये जो LPS है, LPS का ओ साइड चेन है दैट इज वेरिएबल एंड दैट कन्फर्स इम्यूनोजेनिक प्रॉपर्टी। जैसे कि हम बैक्टीरिया में पढ़ते हैं एंटीजेनिक शिफ्ट, एंटीजेनिक ड्रिफ्ट, और क्या होता है जो वायरस है, वायरस में क्या होता है दे चेंजेस देयर, जब बहुत वायरस का जो जीनोम का मेंटेनेंस है वो बहुत पुअर है, उसमें बहुत सारे म्यूटेशन आ जाते हैं, तो उसमें क्या होता है नया टाइप ऑफ स्ट्रेन जनरेट हो जाता है। जैसे इन्फ्लुएंजा में एंटीजेनिक शिफ्ट और एंटीजेनिक ड्रिफ्ट देखा जाता है, शिफ्ट एंड ड्रिफ्ट। सो दिस कंसेप्ट इज काइंड ऑफ हैविंग दिस वेरिएबिलिटी विल कन्फर मोर पैथोजेनिक प्रॉपर्टी टू द वायरस, क्योंकि अगर ये इम्यून सिस्टम पहचान नहीं पाएगा सो देन इट विल कॉज अ डिजीज, सर्टेन काइंड ऑफ डिजीज। सो दिस वेरिएबल पार्ट इज इम्पॉर्टेंट इन वायरस ऑल्सो, इन कंटेक्स टू बैक्टीरिया ऑल्सो इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो ग्राम नेगेटिव में ये दो चीज़ आपको याद रखना है, एक है इंडोटॉक्सिन दैट इज LPS एंड दूसरा चीज़ है आपका ओ साइड चेन विच इज वेरिएबल एंड विच कन्फर्स इम्यूनोजेनिक प्रॉपर्टी, और ओ साइड चेन वेरिएबल होता है हर बैक्टीरिया के लिए, ठीक है। और जैसे कि मैंने डिस्कस कर दिया ग्राम पॉजिटिव में क्या होता है, ग्राम पॉजिटिव में आपका डायरेक्ट लिंकेज नहीं देखा जाता है, वहाँ पे ग्लाइसिन इंटरमीडिएट लिंकेज देखा जाता है, पर इनके सब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया वो डायरेक्ट जैसे DLA के साथ मेसोडायमिनी पीमेलिक एसिड का डायरेक्ट लिंकेज देखा गया है। सो दिस इज अ टिपिकल फीचर्स ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, जैसे कि यहाँ पे एक इकोलाई का दिया हुआ है। सो आपका जो कंट्रास्टिंग फीचर्स हो गया मैं दोनों को कंपेयर करके बता देता हूँ ग्राम पॉजिटिव, और क्या याद रखना है लास्ट में मैं फिर से हाईलाइट कर दूंगा। जैसे कि आप सब जानते हैं जब ग्राम स्टेनिंग होता है, यहाँ पे देखिए पर्पल कलर का जो है ग्राम पॉजिटिव, और उसके साथ साथ काउंटर स्टेन विद सैफ्रानिन, तो जो सैफ्रानिन का कलर लेते हैं दैट इज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, और जो क्रिस्टल वायलेट सीवी का जो कलर लेते हैं दैट इज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। रिप्रेजेंटेटिव जेनेरा इस एस्टेरिसिया कोलाई निसेरिया स्यूडोमोनास बैसिला स्टेफाइलोकोकस स्ट्रेप्टोकोकस ब्रीथिंग कॉज डिजीज, बट इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव दे हैव मोर पोटेंशियल टू कॉज डिजीज, क्योंकि जो आउटर मेम्ब्रेन है दैट कन्फर्स दिस प्रॉपर्टी टू द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। पेप्टाइडोग्लाइकन थिक थिन, क्योंकि यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, देखिए आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट, आउटर मेम्ब्रेन एब्सेंट। और टीकोइक एसिड कहाँ प्रेजेंट होता है, ग्राम पॉजिटिव में, ग्राम नेगेटिव में नहीं होता है। देखिए टीकोइक एसिड ग्राम पॉजिटिव में प्रेजेंट होता है एंड इट इज नेगेटिवली चार्ज, रिमेंबर इट, बिकॉज इट कंटेन्स फॉस्फेट, वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड पॉइंट हो गया आप, फोर्थ पॉइंट लाइपोपॉलीसेकेराइड एंडोटॉक्सिन ग्राम नेगेटिव में प्रेजेंट होता है। पोरिन प्रोटीन, हाँ पोरिन प्रोटीन एक चीज़ डिस्कस करना मैं भूल गया, देखिए ये जो टिपिकल एक सेल वॉल का जो एक स्ट्रक्चर दिया गया है ग्राम नेगेटिव के बैक्टीरिया में, तो उसके साथ साथ एक चीज़ रहता है पोरिन प्रोटीन। पोरिन मतलब नाम से पता चला है पोर क्रिएट कर रहा है आपका सेल वॉल के बीच में। देखिए ये जो पूरा आउटर मेम्ब्रेन है, सॉरी सेल वॉल नॉट ए सेल वॉल, आउट इन द इट इज प्रेजेंट इन द आउटर मेम्ब्रेन एंड इट क्रिएट्स अ काइंड ऑफ परमेबिलिटी, बैरियर नहीं, इट्स काइंड ऑफ क्रिएट करता है पोर जो क्या करता है परमेबल करता है कुछ कुछ चीज़ों को। जैसे देखिए प्रेजेंट अलाउ मॉलिक्यूल टू पास थ्रू द आउटर मेम्ब्रेन। अब डायरेक्ट देखिए ग्राम पॉजिटिव में क्या था, एक थिक पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर था, अब उसके नीचे था आपका सेल मेम्ब्रेन, पर ग्राम नेगेटिव में क्या हुआ, एक आउटर मेम्ब्रेन आया, एक सेल वॉल आया जो है थिन, और उसके साथ साथ एक सेल मेम्ब्रेन आया। तो ये जो बाहर के एनवायरनमेंट के साथ जो कॉन्टैक्ट है दैट इज मोस्टली डन बाय दिस पोरिन प्रोटीन, कुछ मॉलिक्यूल को अगर कुछ नेसेसरी मॉलिक्यूल चाहिए बाहर से अगर, सो दैट इज डन बाय दिस पोरिन प्रोटीन, इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। पोरिन प्रोटीन कहाँ रहता है, ग्राम नेगेटिव में रहता है, नॉट इन प्रेजेंट इन द ग्राम पॉजिटिव, एंड पोरिन प्रोटीन इज प्रेजेंट इन द आउटर मेम्ब्रेन। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे सेंसिटिविटी टू पेनिसिलिन, जनरली मोर क्यों, जनरली लेस, क्योंकि ये जो पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर है इट विल कम डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट टू पेनिसिलिन। जैसे कि मैंने बोला ये जो ट्रांसपेप्टाइडेशन रिएक्शन है, दिस एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड का जो पॉलीमर बनता है, दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसपेप्टाइडेशन रिएक्शन। ट्रांसपेप्टाइडेशन रिएक्शन में क्या होता है, ये जो पेनिसिलिन है उसको इनहिबिट कर देता है। तो इनके इन कॉन्टेक्स्ट जैसे आप किसी भी सेल सपोज एक बैक्टीरिया को एक्सपोज कर रहे हैं एंटीबायोटिक में, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ इन केस ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया टू बी किल्ड इज हायर रैदर देन ग्राम नेगेटिव। आपको अगर ग्राम नेगेटिव को इनहिबिट कर रहा है क्योंकि ये पेनिसिलिन तो खाली जो सेल वॉल का सिंथेसिस है उसको रोकता है, इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दिस सेल वॉल लाइज इनसाइड दिस आउटर मेम्ब्रेन, सो दिस इज टिपिकली लेस ससेप्टिबल। ओके लाइसोजाइम, जैसे बोला लाइसोजाइम इट क्लीव्स बीटा 1 फॉर ग्लाइकोसाइड लिंकेज और पेनिसिलिन ट्रांसपेप्टाइडेशन को रोकता है, सो लाइसोजाइम का सेंसिटिविटी भी ग्राम पॉजिटिव में ज्यादा रहेगा। ओके सो दिस इज ऑल्सो वन पॉइंट, दिस इज कोरिलेटेड विद आपका, अगर ये चीज़ समझ में आ गया कि ये जो लिंकेज है और आपका अगर लाइसोजाइम कैसे काम करता है, इट ब्रेक्स बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, जैसे मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया था दिस लिंकेज इज बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बिटवीन एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड एंड एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे देखिए और दो तीन पॉइंट इंपॉर्टेंट है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। एक है आपका सेल वॉल बिना बैक्टीरिया दैट इज माइक्रोप्लाज्मा,
अब माइकोप्लाज्मा इज ए टिपिकल, ये इट्स काइंड ऑफ एक्सेप्शन जहाँ पे कोई सेल वॉल प्रेजेंट नहीं रहता, ठीक रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट नहीं रहता है। तो क्या होता है, तो आपका जो ये पेनिसिलिन और ये लाइसोजाइम है दैट ऑल हैव दैट कॉमन टारगेट, दैट इज द सेल वॉल, लाइसोजाइम एंड पेनिसिलिन। ओके, अगर ये सेल वॉल ही हटा दो तो ये काम कर पाएगा नहीं, तो ये क्या करता है, माइल्ड न्यूमोनिया कॉज करता है। माइकोप्लाज्मा ये बचपन से पढ़ते आ रहे दैट लैक सेल वॉल एंड डू नॉट, ये थोड़ा रिलेवेंट कंसेप्ट आ जाता है पेनिसिलिन और लाइसोजाइम का, इट इज़ नॉट अ न्यू, बट ये आपको रहना चाहिए दिमाग में, ठीक है। ये जैसे माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया, दिस सेल आर फ्लेक्सिबल बिकॉज दे लैक सेल वॉल, ये स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का फोटो है, ठीक है। तो आपको मैं फिर से समराइज कर रहा हूँ, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में क्या करना है आपको, डिफरेंस जो सेल वॉल का जो डिफरेंस है दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। एक है टिकोइक एसिड, दूसरे में नहीं है, एक है एलपीएस, दूसरे में एलपीएस यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है। ग्राम पॉजिटिव में आपका जो पोलिन प्रोटीन है, पोलिन प्रोटीन दैट इज़ प्रेजेंट इन ग्राम नेगेटिव, यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो ये तीन चार इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, पेनिसिलिन और लाइसोजाइम का ससेप्टिबिलिटी आपको अगर ये लिंकेज वगैरह समझ में आ गया। और ग्राम पॉजिटिव में क्या होता है, डायरेक्ट लिंकेज होता है, डायरेक्ट लिंकेज नहीं होता है, ग्राम नेगेटिव में होता है, ग्लाइसिन इंटरमीडिएट ब्रिज, हमेशा के लिए याद रखना, ग्राम पॉजिटिव जी फॉर ग्लाइसिन, जी फॉर ग्राम पॉजिटिव का जो ग्राम पॉजिटिव है, जी फॉर ग्लाइसिन, जी फॉर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पॉजिटिविटी ग्लाइसिन। तो ये जो है ये पेप्टाइड इंटरब्रिज को क्रॉस लिंक कराता है नैग और नैम का, ठीक है। और उसके बाद आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज टिपिकल सेम कंसेप्ट आएगा, लिपिड बाइलेयर होता है, उसके साथ साथ आपका इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन जैसे कि हम सब जानते हैं, उसके साथ साथ इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन में एक हाइड्रोफोबिक अल्फा हेलिकल पार्ट होता है जो क्या होता है, इंटीग्रेटेड रहता है अपने सेल मेम्ब्रेन में, ठीक है। और जो टिपिकल फीचर्स हैं दैट इज़ द प्रेजेंस ऑफ दिस होपानार्ड। अब ये होपानार्ड क्या है, कौन सा चीज़ है देख लेते हैं। अब होपानार्ड इज काइंड ऑफ लाइक अ कोलेस्ट्रॉल ऑफ बैक्टीरिया, जैसे हमारे सेल में क्या होता है कोलेस्ट्रॉल रहता है, सच एज कोलेस्ट्रॉल, बैक्टीरिया लैक कोलेस्ट्रॉल बट हैव अ स्टेरॉल लाइक कंटेनिंग कंपाउंड दैट इज नोन एज होपानार्ड विच इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम स्टेरॉयड। देखिए ये कोलेस्ट्रॉल का एक स्ट्रक्चर है, ये होपानार्ड का स्ट्रक्चर है, बहुत डिस्टिंक्ट है, और ये इट इज ओनली फाउंड इन द बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन। ओके, तो सेल मेम्ब्रेन बहुत बेसिक चीज़ कुछ नहीं है, सेम है दोनों यूकैरियोट प्रोकैरियोट में, सेम कंसेप्ट है, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन, हाइड्रोफोबिक अल्फा हेलिक्स, उसके साथ साथ जो मॉडिफिकेशन आप देख सकते हैं दैट इज और इन केस ऑफ होपानॉइड, कोलेस्ट्रॉल और होपानॉइड, कोलेस्ट्रॉल इन यूकैरियोट, होपानॉइड इन प्रोकैरियोट, इज इट ओके। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ से आएगा इसके बाद, दैट इज आर्कियल सेल स्ट्रक्चर। अब आर्कियल सेल स्ट्रक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, जो टिपिकल पॉइंट्स हैं उसको डिस्कस कर लेंगे, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड, बैक्टीरिया में ईस्टर लिंक्ड होता है और आपका जो ये आर्किया है दैट इज इथर लिंक्ड, दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट वेरी 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 मच। आप रिपीटेड क्वेश्चन देखोगे गेट में, शायद 2-3 साल बाद ये आर्कियल का कॉन्सेप्ट या एक साल अल्टरनेट करके ये क्वेश्चन पूछता रहता है। तो आर्कियल का जो मेम्ब्रेन है दैट इज कंपोज्ड ऑफ इथर लिंकेज, और बैक्टीरियल का जो मेम्ब्रेन है दैट इज एस्टर लिंकेज, एस्टर लिंकेज मीन एसिड और अल्कोहल का एस्टर, और इथर आप यहाँ पे देखिए इथर लिंकेज हो रहा है, ये क्रिएट हो रहा है, एस्टर लिंकेज क्रिएट हो रहा है, ठीक है। और उसके साथ साथ देखिए जो सेल वॉल है, सेल वॉल इज पेप्टाइडोग्लाइकन, आर्किया का जो है पेप्टाइडोग्लाइकन इज ऑलवेज एब्सेंट, पेप्टाइडोग्लाइकन प्रेजेंट नहीं रहता है। उसके साथ साथ एक टिपिकल चीज़ रहता है दैट इज एस लेयर, जो हम डिस्कस करेंगे अभी नेक्स्ट आने वाले स्लाइड्स में, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द थिंग्स मोर और लेस सिमिलर होता है, जैसे कि देख सकते हैं ये 70S राइबोसोम है, इनका भी 70S राइबोसोम है। उसके साथ साथ ये जो प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है यहाँ पे, ये सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड प्लाज्मिड प्रेजेंट रहता है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में फ्लैजेला पीली कॉमन होता है, यहाँ पे भी फ्लैजेला पीली देखा जाता है, पर कैप्सूल सिमिलर बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, पर ये आर्किया में दैट इज़ वेरी रेयर नहीं मिलता। तो आपको एक ही चीज़ याद रखना है, आर्किया जब भी नाम में आएगा, आर्किया मीन्स एक्सट्रीमोफाइल्स मेनली, सो दे आर मेम्ब्रेन, द मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ इथर लिंकेज रादर देन एस्टर लिंकेज। और जैसे कि आप देख सकते हैं आर्किया का जो मेम्ब्रेन है, देखिए इथर लिंकेज है, ये एस्टर लिंकेज है, और दिस इज द रिपीटेटिंग यूनिट, दिस इज नोन एन आइसोप्रीन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हाईलाइट किया हूँ मैंने, ये जो रिपीटेटेड यूनिट है दिस इज आइसोप्रीन यूनिट। यहाँ पे देखिए ये जो पूरा चेन बना है, ग्लिसरॉल डाइथर, डाइग्लिसरॉल टेट्राइथर, ये जो बनाता है दिस इज नोन एज आइसोप्रीन यूनिट। तो जो आइसोप्रीन है दैट इज द मेजर बैकबोन ऑफ दिस बैक्टीरियल सेल वॉल मेम्ब्रेन एज वेल एज आर्कियल सेल वॉल मेम्ब्रेन, दिस इज अ बैकबोन, क्योंकि ये प्रेजेंट रहता है। देखिए आप, ये जो पूरा चेन बन रहा है दैट इज कंपोज्ड ऑफ आइसोप्रीन। और एक टिपिकल फीचर्स देखा जाता है जो आर्किया में प्रेजेंट होता है, दैट इज दे आर ऑल्सो समटाइम्स, जैसे ये बाईफाइटेनाइल है और यहाँ पे है फाइटेनाइल, तो जो बाईफाइटेनाइल मेम्ब्रेन है दैट क्रिएट लिपिड मोनोलेयर है, मोनोलेयर और बाईलेयर, हम जैसे बाईलेयर का कंसेप्ट पढ़ते हैं ऐसे टाइप, ऐसे जो हम ड्राइंग बनाते हैं ना, ऐसे ये बाईलेयर दो लेयर से बना हुआ, बीच में एक स्पेस रहता है। अब जब अगर मोनोलेयर बनेगा ना, ये पूरा एक्सटेंड हो जाएगा, एक ही है ऐसे, इसके बीच में कोई स्पेस ऐसा नहीं रहेगा, इन दोनों के बीच स्पेस, देखिए ये है बाईलेयर, दिस इज मोनोलेयर, जो आर्किया है दैट कैन क्रिएट मोनोलेयर, और मोनोलेयर कुछ लिपिड क्रिएट करता है, जैसे बाईफाइटेनाइल, ठीक है, ये एक बाईफाइटेनाइल मेम्ब्रेन है और दैट क्रिएट लिपिड मोनोलेयर, ये आर्किया का ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। तो और आर्कियल सेल वॉल में क्या होता है,
जो लिंकेज होता है, और हाँ जैसे मैंने वहाँ पे बोला इनएसिटाइल ग्लूकोसामिन और इनएसिटाइल म्यूरामिक एसिड, यहाँ पे क्या होता है इनएसिटाइल ग्लूकोसामिन और इनएसिटाइल टैलासोम्यूनेरिक एसिड, देखिए GNT, और इनका जो लिंकेज होता है दैट इज beta-1-3, दैट इज लाइसोजाइम इंसेंटिव. ऑफकोर्स लाइसोजाइम एक एंजाइम है और एंजाइम का एक स्पेसिफिक रीजन होगा, स्पेसिफिक एक पार्ट होगा जहाँ पे वो सब्सट्रेट को रिकॉग्नाइज करते हैं और उनके बीच में वो क्लीव करते हैं. सो दिस बीटा वन थ्री लिंकेज कहाँ रहता है, आर्कियल सेल वॉल में, और आर्कियल सेल वॉल में इनएसिटाइल ग्लूकोसामिन के साथ साथ इनएसिटाइल टैलिसोम्यूनेरिक एसिड प्रेजेंट रहता है. ठीक है, अब देखिए पेप्टाइड क्रॉस लिंक बन गया. आर्कियल सेल वॉल में क्या होता है, कंपोज्ड ऑफ इथाग्लाइकोप्रोटीन, और जैसे सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन मिसिंग होता है, पेप्टाइडोग्लाइकन मिसिंग होने की वजह से क्या होता है आपका जो एस लेयर इज बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट, और एस लेयर का कुछ कुछ अरेंजमेंट रहता है, जैसे कि एकदम डायरेक्ट एस लेयर बाहर रहेगा, उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और आप कभी किसी किसी केस में एक प्रोटीन सीथ रहता है, एक में मिथानोकॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, जैसे यूकेरियोट में कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट जो प्रेजेंट होता है, सेम काइंड ऑफ दिस आर द टिपिकल अरेंजमेंट जो पाया जाता है एस लेयर के साथ साथ. तो यहाँ पे पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं रहता है, दे हैव एस लेयर, एंड दिस एस लेयर हैव वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अरेंजमेंट इन देम, और एस लेयर में भी थिक है 20-40 नैनोमीटर, देखिए कितना थिक हो सकता है. ठीक है, सो दिस वॉज अ पार्ट ऑफ आपका आर्कियल सेल वॉल का. आर्कियल सेल वॉल में आपको जो आर्कियल सेल मेम्ब्रेन, सॉरी आर्किया मेजर, पहला चीज़ आपको ध्यान रखना है डिफरेंस बिटवीन आर्किया एंड यूकेरिया, आर्किया एंड बैक्टीरिया, क्योंकि क्वेश्चन हर बार आता है, और दैट इज इथर लिंकेज, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ आर्किया, और उसके साथ साथ एस लेयर. दिस आर द पॉइंट दैट यू नीड टू रिमेंबर ड्यूरिंग दिस क्वेश्चन सॉल्विंग, एंड आर्किया जब भी आएगा आप देखेंगे मैं अभी क्वेश्चन कराऊंगा, आर्किया का कॉन्सेप्ट यहीं से हर वक्त रिपीट होता है. एंड दे आर एक्सट्रीमोफाइल, जैसे कि आप सब जानते हैं एक्सट्रीमोफाइल्स मीन्स ये हार्श कंडीशन में रहते हैं, जैसे हाई टेम्परेचर, हाई सैलिनिटी, है ना. तो इनका जो इथर लिंकेज है दे हेल्प्स इन दिस प्रोवाइडिंग दिस काइंड ऑफ रिजिडिटी टू द सेल मेम्ब्रेन, ताकि सेल मेम्ब्रेन डिसॉल्व ना हो, हाई टेम्परेचर, हाई पीएच, है ना. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द आर्कियल सेल मेम्ब्रेन, एंड दिस कॉन्सेप्ट शुड बी टेकन केयर ऑफ, क्योंकि क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है. चलिए नेक्स्ट जो हम डिस्कशन करेंगे दैट इज अबाउट कैप्सूल एंड स्ट्रैंड लेयर. अब कैप्सूल हम जब डिस्कवरी ऑफ जेनेटिक मटेरियल करते हैं दैट टाइम वी रन अबाउट दैट स्मूथ एंड आर स्मूथ सर्फेस एंड आर सर्फेस, जहाँ पे फैगोसाइटोसिस हो जाता था दैट इज नोन एज दिस रैप, इसमें फैगोसाइटोसिस होता था स्मूथ सर्फेस में इन प्रेजेंस ऑफ कैप्सूल. दिस प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस वॉज नॉट डन बाई द फैगोसाइटिक सेल्स लाइक मैक्रोफेज. तो ये जो कैप्सूल है वो क्या होता है देख लेते हैं. सो दिस कैप्सूल इज मोस्टली कंपोज ऑफ पॉलीसेक्राइड और एक चीज़ जो आपका जो बैसिलस एंथ्रैक्सिस है उसका जो प्रोटीनेसियस कैप्सूल है उसमें एक चीज़ होता है दैट इज पॉलीडीग्लूटामिक एसिड. क्वेश्चन आपको यहीं से आएगा, जो कैप्सूल है और जो स्लाइम लेयर है, एक्चुअली जो ये स्लाइम लेयर है इट्स काइंड ऑफ लाइक अ नॉट अ इंटैक्ट मेम्ब्रेन. जो कैप्सूल है ये आप मॉर्फोलॉजी देख के ही पता कर सकते हैं. जैसे ये कैप्सूल, पहले ये बात कर लेते हैं कैप्सूल और स्लाइम लेयर का. जो कैप्सूल है उसका एक डिफाइंड मॉर्फोलॉजी है, और जो स्लाइम लेयर है इट इज काइंड ऑफ डिफ्यूज, यहाँ पे एक बहुत स्ट्रिक्ट बाउंड्री नहीं रहता है स्लाइम लेयर में, और ये क्या होता है इजीली रिमूव कर सकते हैं आप अगर कुछ एंजाइमेटिक ट्रीटमेंट दे रहे हो, कोई अगर हार्श ट्रीटमेंट दे रहे हो, पीएच का चेंज कर रहे हो, तो दिस स्लाइम लेयर विल बी इजीली रिमूव. एंड उसके साथ साथ ये जो ग्लाइडिंग बैक्टीरिया है, ग्लाइडिंग बैक्टीरिया जो क्या करते हैं इट्स काइंड ऑफ मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फैसिलिटेट मोटिलिटी. पर जो आप कैप्सूल हैं, कैप्सूल इट्स गिव्स स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिक का जो मैं जैसे मैंने बता रहा था 2S and 3R, प्रोबेबली 2S and 3R वो है दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिक इन द सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल में हम जब पढ़ते हैं. तो क्या होता है ये आपका जो ये जो कैप्सूल है, तो सो दिस कैप्सूल प्रोवाइड्स एन एडिशनल फीचर जैसे मैंने बोला. सो इट इनहिबिट्स द फैगोसाइटोसिस. अब ये फैगोसाइटोसिस का जो प्रोसेस है इसको इनहिबिट करते हैं, तो ये क्या होता है एक स्मूथ अपीयरेंस देते हैं. जैसे देख सकते हैं दिस इज अ ये बैक्टीरिया है और इसके बाहर में कैप्सूल है, और दिस इज अ कॉलोनी ऑफ, दिस इज अ रफ एंड दिस इज द स्मूथ. अब स्मूथ है, देखिए सरफेस मॉर्फोलॉजी देख के पता चल जाएगा कि बाहर कुछ तो है जिसके लिए ये जो सरफेस मॉर्फोलॉजी है दैट इज काइंड ऑफ अ स्मूथ अपीयरेंस. तो दिस इज द टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ कैप्सूल, एंड कैप्सूल में क्या रहता है दिस कंपोज्ड मेनली ऑफ पॉलीसेकेराइड, और उसके साथ साथ आपका पॉलीसेकेराइड के साथ साथ क्या रहता है प्रोटीनेसियस मटेरियल और पॉलीपेप्टाइड लाइक पॉलीडीग्लूटामिक एसिड. तो कैप्सूल में आपको एक ही चीज़ याद रखना है पॉलीसेकेराइड और आपका पॉलीडीग्लूटामिक एसिड इन केस ऑफ मेनी बैक्टीरिया लाइक बैसिलस एंथ्रैक्सिस, पॉलीडीग्लूटामिक एसिड. और एक कैप्सूल का एक डिफाइंड बाउंड्री रहता है, पर स्लाइम लेयर इज काइंड ऑफ डिफ्यूज स्ट्रक्चर, बट कैप्सूल इज ए स्लाइट इंटैक्ट स्ट्रक्चर. और एक चीज़ होता है ग्लाइकोकैलिक्स, जिस ग्लाइकोकैलिक्स आर नेटवर्क ऑफ पॉलीसेकेराइड. सो दिस स्लाइम लेयर कैप्सूल एंड ग्लाइकोकैलिक्स दिस काइंड ऑफ मोर ऑर लेस सिमिलर टर्मिनोलॉजी, स्लाइम लेयर इंटैक्ट, स्लाइम लेयर कैप्सूल, दिस आर द मोर काइंड ऑफ इंटरकनेक्टेड वर्ड. जो ग्लाइकोकैलिक्स है ग्लाइको सेम नाम से ही पता चल रहा है दैट इज कंपोज्ड ऑफ कार्बोहाइड्रेट,
एंड अगर आपका इन कंटेक्स्ट को देखे कि अगर कैप्सूल किसको कहेंगे हम, स्लाइम लेयर किसको कहेंगे और ग्लाइकोकैलिक्स किसको कहेंगे, सो ग्लाइकोकैलिक्स में दोनों चीज़ें आता हैं, बोथ कैप्सूल एंड स्लाइम लेयर, बिकॉज दे आर कंपोज ऑफ पॉलीसेकेराइड। यहाँ पे जैसे मैंने भी एक पॉइंट हाईलाइट किया है, तो ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर ही ये कैप्सूल और स्लाइम लेयर ये दोनों चीज़ प्रेजेंट रहते हैं। और इसमें क्या होता है, ये स्लाइम लेयर और ग्लाइकोकैलिक्स को हम जब डिफाइन करते हैं, डिफाइन इट एज ए पॉलीसेकेराइड, एंड कैप्सूल में हम देखते हैं उसके साथ साथ आपका जो पॉलीपेप्टाइड भी रहता है, जैसे लाइक बैसिलस एंथ्रासिस में क्या रहता है, मेनली पॉली डी ग्लूटामिक एसिड। अब इनका एडिशनल फीचर्स और दो तीन चीज़ हैं, जैसे हम सब जानते हैं सो बैक्टीरिया लिव लाइक इन ए कॉलोनी, तो जो कॉलोनी है और टू एडहेयर टू अ स्पेशल टाइप ऑफ सरफेस, लाइक हम माइक्रोबायोम के बारे में जब पढ़ते हैं, ह्यूमन रूरल माइक्रोबायोम, ह्यूमन स्किन माइक्रोबायोम, स्किन माइक्रोबायोटा, इनके बारे में जब हम पढ़ते हैं, उसके साथ साथ हम जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मैकेनिज्म है इसके बारे में हम जब फर्दर डिस्कशन करेंगे, दैट टाइम वी विल इनकाउंटर अबाउट बायोफिल्म। तो एक बायोफिल्म एक इट्स काइंड ऑफ कम्युनिटी, एक जैसे आप समझ सकते हैं दिस इज काइंड ऑफ ए अपार्टमेंट में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो दिस बहुत सारे लोग आर लाइक बहुत सारे बैक्टीरिया, वो क्या करते हैं कॉलोनाइज, दे फॉर्म अ कॉलोनी, और कॉलोनी जो है दैट इज दिस सरफेस, किसी एक सरफेस के, जैसे आप अगर देखोगे जैसे ओरल सरफेस पर जो टीथ है, टीथ सर्फेस के ऊपर हम जब कुछ खाना खाते हैं तो ब्रश करने के लिए बोला जाता है, तो दिस इज द मेन रीजन, क्योंकि वहाँ पे बैक्टीरिया का जो इनहेबिटेंस है, बैक्टीरिया जहाँ पे एक्यूमुलेट नहीं हो पाएगा क्योंकि हम फ्लश करेंगे, क्लीन करेंगे, सो दे विल रिमूव दिस काइंड ऑफ फॉर्मेशन। सो जो बायोफिल्म फॉर्मेशन की वजह से क्या होता है, बायोफिल्म काइंड ऑफ कॉज अ बैरियर लाइक थिंग। अब अगर यहाँ पे आप एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट करोगे कुछ भी, और ये सपोज ये एक पैथोजेनिक बैक्टीरिया है, दिस इज अ पैथोजेनिक बैक्टीरिया, अगर आपको कुछ केमिकल ट्रीटमेंट कराना है, तो अगर ये केमिकल ट्रीटमेंट सेल तक, ये एक इट इज़ अ काइंड ऑफ लाइक अ सील्ड, अगर ये सील्ड बन गया तो ये जो एंटीबायोटिक है वो अंदर नहीं आ पाएगा। सो दिस इज अ मेन रीजन ऑफ दिस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, वन ऑफ द मेन रीजन दिस बायोफिल्म फॉर्मेशन, एंड इट इज वेरी टिपिकल बायोफिल्म फॉर्मेशन। सीडोमोनास एरोजिनेसा इज अ वेल नोन पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कैथेटर इन्फेक्शन, जब ऑपरेशन थिएटर, ये सब में दिस इज वेरी कॉमन सीडोमोनास का इन्फेक्शन। सो दिस बायोफिल्म फॉर्मेशन इज मेनली द मेन फैक्टर दैट इज इन्वॉल्व, दैट इज ग्लाइकोकैलिक्स। सो जो ग्लाइकोकैलिक्स हैं ये अटैचमेंट में हेल्प करते हैं, और अटैचमेंट इट्स काइंड ऑफ लाइक ए ग्लू, आप एक के बाद एक स्टैकिंग होके कि एक बैक्टीरिया का पूरा कॉलोनी बना देते हैं। यहाँ पे देखिए दिस आर एडिशनल माइक्रोब्स भी रह सकते हैं इस एक कॉलोनी में, सपोज दिस इज लाइक अ कॉलोनी, कॉलोनी में बहुत सारे लोग रह सकते हैं, बहुत सारे कम्युनिटी के लोग रह सकते हैं। सो जो पायनियर कॉलोनी है, जैसे ये एक बैक्टीरिया का शेप देख रहे हैं, ये रॉड शेप बैक्टीरिया, उनके साथ साथ देखिए ये लाल कलर का बैक्टीरिया भी आ गया, ये येलो कलर की बैक्टीरिया भी आ गया, तो दिस आर द एडिशनल माइक्रोब्स, दे क्रिएट अ मैच्योर कम्युनिटी एक्चुअली। सो दिस इज द इनिशियल कॉलोनी फॉर्मेशन। यहाँ पे देखिए सेल सर्फेस एक है जहाँ पे सेल स्टिक कर रहे हैं, मतलब बैक्टीरियल सेल स्टिक कर रहे हैं, उसके साथ साथ एडिशनल जब ये बायोफिल्म मैचुरेशन हो जाएगा, और बायोफिल्म डिस्पर्सल भी होते हैं बहुत सारे केसेस में, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, ठीक है। सो ये जो आपका बायोफिल्म फॉर्मेशन है दैट इज मेनली डन बाय दिस ग्लाइकोकैलिक्स, एंड ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर ही आपका कैप्सूल आता है और स्लाइम लेयर आता है। सो कैप्सूल इन कंटेक्स्ट, कैप्सूल का जो मॉर्फोलॉजी होता है दैट इज इंटैक्ट, एंड स्लाइम लेयर काइंडली साइट ऑफ डिफ्यूज पॉली डी ग्लूटामिक एसिड याद रखना है, दैट इज प्रेजेंट इन द बैसिलस एंथ्रासिस, बस इतना ही आपको याद रखना है। अब और एक चीज़ देखिए, दिस इज काइंड ऑफ वेरी नॉट दैट इंपॉर्टेंट पार्ट, बट एस लेयर मेनी बैक्टीरिया हैव रेगुलर, यहाँ पे देखिए रेगुलरली स्ट्रक्चर्ड लेयर सेल विच इज नोन एज एस लेयर, एंड प्रोटीन एंड ग्लाइकोप्रोटीन से बना हुआ रहता है। इन टिपिकल ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एस लेयर एडहेयर्स डायरेक्टली टू द आउटर मेम्ब्रेन, इट एसोसिएटेड विद द पेप्टाइड ग्लाइकन सरफेस ऑफ द टिपिकल ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल। ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों में पाया जाता है, उतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, फिर भी ये एस लेयर कहाँ रहता है अगर कोई बताए तो, एस लेयर इज ऑल्सो प्रेजेंट इन बैक्टीरिया इन ग्राम पॉजिटिव एंड ऑल्सो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। सो इट्स काइंड ऑफ देखिए उसके साथ साथ देखिए हाँ चलिए तो नेक्स्ट चीज़ हम डिस्कस करेंगे दैट इज इंक्लूजन बॉडी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है सेल वॉल के बाद, मोस्टली कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, 2023 में भी क्वेश्चन आया था इंक्लूजन बॉडीज के ऊपर, मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा। इंक्लूजन बॉडीज में क्या होता है, जो इंक्लूजन बॉडीज रहते हैं दिस आर द स्टोरेज इंक्लूजन, क्या होता है जो आपका देखिए बैक्टीरिया इज नॉट लाइक दैट इट विल हैव ऑल दोज एसेंशियल न्यूट्रिएंट आउटसाइड इन द एनवायरनमेंट ऑल द टाइम, अगर इन्वायरमेंट चेंज होता है बैक्टीरिया हार्श कंडीशन में चला जाता है, इट्स काइंड ऑफ फूड स्टोरेज मटेरियल, खाना बचाने का एक टेक्निक है बैक्टीरिया में, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ इंक्लूजन बॉडी। अब जो इंक्लूजन बॉडी है ये अगर अपना ये बैक्टीरियल सेल एक्यूमुलेट करता है तो दैट क्रिएट रिड्यूसेस द ऑस्मोटिक स्ट्रेस, ऑस्मोटिक इम्बैलेंस, जैसे मैंने बोला इन्वायरमेंट अगर चेंज होता है, इफ यू चेंज द एन्वायरमेंट फॉर हाइपर ऑस्मोटिक कंडीशन, हाइपोस्मोटिक कंडीशन, यू चेंज द ऑस्मोटिक कंडीशन, यू चेंज द पीएच लेवल, यू चेंज द टेम्परेचर, सो दैट टाइम इंक्लूजन बॉडी हेल्प इन दिस हेल्प द बैक्टीरिया टू जनरेट एनर्जी एंड टू सर्वाइव एग्जैक्टली। तो दिस इज द पीएच ग्रैनुअल्स और उसके साथ साथ
पॉलीफॉस्फेट ग्रैनुल्स। अब पीएचए में क्या होता है, आपका जो पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटरेट, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोनेट और पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटरेट, दिस कंटेंट्स क्या होता है, दिस आर द वेल स्टडीज एंड सिंगल लेयर कंपोज, ये आपको याद रखना है। लेयर से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, सिंगल लेयर है, बाई लेयर है, मोस्ट कॉमन जो होता है। और ये क्या होता है, ये जो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक है, पीएचए जो ग्रैनुअल्स हैं, ये इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, जो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, ये बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक कहाँ से बनाया जाता है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोनेट, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटरेट, सो दिस आर द पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स, दोज आर सिंगल लेयर मेम्ब्रेन, इंक्लोज बाई सिंगल लेयर मेम्ब्रेन, एंड दैट आर द मेजर, वन ऑफ द मोस्ट मेजर इंक्लूजन बॉडी प्रेजेंट इन द बैक्टीरिया, कॉमन स्टोरेज। और देखिए पॉलीफॉस्फेट, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, फॉस्फेट, फॉस्फेट ग्रैनुअल प्रेजेंट रहता है, जो फॉस्फेट होता है, वी ऑल नो एसेंशियल कंपोनेंट डीएनए में फॉस्फेट रहता है, उसके साथ साथ आपका जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है फॉस्फोराइलेशन, एटीपी, दैट इज ऑल्सो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एंजाइमेटिक जितने भी सारे रिएक्शन हैं, लाइक फॉस्फोराइलेशन, डीफॉस्फोराइलेशन, उसके साथ साथ जो एनर्जी यूटिलाइजेशन का प्रोसेस है, इन दैट कॉन्टेक्स्ट ऑल्सो फॉस्फेट आर हेल्पफुल, एंड फॉस्फेट को बचाना इसलिए बहुत नेसेसरी हो जाता है। तो एक ग्रैनुअल्स बना लेते हैं अपने बॉडी में, इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स है, जैसे लाइक सल्फर का भी एक बहुत एसेंशियल रोल होता है, जैसे कि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज़ करते हैं, और जैसे हम जानते हैं टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आर ऑलवेज लाइक ऑक्सीजन इन केस ऑफ, जैसे पानी बना लेते हैं, फिर इन केस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, सेम फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड क्या करते हैं, एज एक्ट एज इलेक्ट्रॉन डोनर, तो सल्फर ग्रैनुल को इसलिए ये लोग एक्युमुलेट कर लेते हैं। दिस इज, यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी का इमेज है, जहाँ पे ये जो सल्फर ग्लोब्यूल्स कितने सारे, देखिए एक सेल में जो सल्फर ग्लोब्यूल है, और जो सल्फर बैक्टीरिया है लाइक क्रोमेटियम विनोसम, एक सल्फर बैक्टीरिया क्या कर रहा है, अपने काम के लिए, अपने जो अपने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, नीड्स दिस हाइड्रोजन सल्फाइड, एक्ट एज एन इलेक्ट्रॉन डोनर एंड एक्यूमुलेट द रिजल्टिंग सल्फर आइदर एक्सटर्नली और इंटरनली। एग्जैक्टली, तो हमने दो तीन चीज़ पढ़ लिया, एक है पॉलीफॉस्फेट, नाम से पता है फॉस्फेट, सल्फर में सल्फर, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोनेट में पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोनेट, उसके साथ साथ पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटरेट, विच एक्ट्स एज ए इन मेनी कंटेक्स्ट इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बनाने के लिए काम आता है। और कार्बोक्सीजोम और एक चीज़ है, ये आपका साइनोबैक्टीरिया में मेनली प्रेजेंट होता है, उसमें क्या होता है, आपका जो जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है, जो आपको विच कन्वर्ट्स कार्बोनिक एसिड इनटू CO2 एंड दिस CO2 डिफ्यूज हो जाता है। अब ये जो पॉलीहेड्रोन, ये पूरा कार्बोक्सीजोम है, इसमें एंजाइम जो प्रेजेंट रहता है, दैट इज रूबिस्को। अब रूबिस्को हम जैसे अब सब जानते हैं कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल एंजाइम फॉर CO2 फिक्सेशन। अब CO2 फिक्सेशन बहुत एसेंशियल है, और कार्बोक्सीजोम क्या करता है, दिस इज वन ऑफ द मेजर साइट ऑफ CO2 फिक्सेशन, क्योंकि ये एक काइंड ऑफ दे क्रिएट अ बेरियर लाइक थिंग, दिस बेरियर लाइक थिंग क्या होता है, दैट प्रिवेंट दिस CO2 फ्रॉम एस्केपिंग। एंड कार्बोक्सीजोम क्या होता है, जब ये एक सेल से दो सेल बनता है, जब बैक्टीरियल सेल डिवीजन होता है, सो दिस कार्बोक्सीजोम ऑल्सो इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दिस डॉटर सेल। ये डॉटर सेल, ये दोनों डॉटर सेल अगर बनते हैं बैक्टीरियल से, 1 से 2, 3 बन रहा है, ये जो डॉटर सेल में भी ये कार्बोक्सीजोम डिवाइड होता है, सो दिस कार्बोक्सीजोम इज वन ऑफ द मेजर पार्ट दैट एक्यूमुलेट्स। दो चीज़ यहाँ पे याद रखना है, दैट इट कंटेन्स रूबिस्को एंड इट एक्यूमुलेट्स CO2 प्रेजेंट इन साइनोबैक्टीरिया। अभी तक खाली रिलेटेड मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछा गया है गेट में, और डायरेक्ट क्वेश्चन जैसे सिंगल मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन का कंसेप्ट पूछा गया है, कौन सा सिंगल मेम्ब्रेन है, कौन सा नॉन मेम्ब्रेन, जिसमें कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं रहता है, सो दिस कार्बोक्सीजोम इज ऑल्सो प्रेजेंट। एंड और एक चीज़ है गैस वैक्यूल, नाम से पता चला, सेम आप बहुत टर्मिनोलॉजी नाम से ही डिराइव होता है, गैस एक्यूमुलेट करके रखते हैं लाइक साइन फ्लोटिंग के लिए, बहुत सारे देखते हैं आप एल्गल ब्लूम, सो दे वांट टू फ्लोट, दिस काइंड ऑफ बैक्टीरिया वांट टू फ्लोट, जब वहाँ पे एनोक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में प्रेजेंट रहता है, एक्वाटिक प्रोकैरियोट जैसे मैंने बता रहा था, एक्वाटिक एनवायरनमेंट में फ्लोट करने के लिए, आप देखोगे सर्फेस के ऊपर बहुत सारे एल्गल ब्लूम अगर जनरेट होता है, उसके साथ साथ बहुत सारे बैक्टीरिया इन कंटेक्स्ट वहाँ पे पाया जाएगा, जहाँ पे दे क्रिएट लाइक अ गैस, दे हैव गैस वैक्यूल इन देयर बॉडी, एंड दिस गैस वैक्यूल विल क्रिएट अ बाउंसी, आपको फ्लोट करने के लिए मदद करेंगे, बैक्टीरिया को फ्लोट करने के लिए मदद करेंगे, मेंटेन अ बाउंसी। देखिए रिमेन एट द डेप्थ इन द वाटर टू द रिसीव सफिशेंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लाइट एंड न्यूट्रिएंट, क्योंकि देखिए अब जब डीप सी में मतलब डीप वाटर में जाएंगे, दे हैव लिमिटेड लाइट, जैसे फोटिक एपोटिक जोन होता है ना, हम सब पढ़ते हैं इकोलॉजी में फोटिक एपोटिक जोन, तो जो बैक्टीरिया है क्या करता है, ये बॉयंसी को रेगुलेट करके गैस वैक्यूल का नंबर इंक्रीज और डिक्रीज करके दे अचीव दिस ऑक्सीजन लाइट एंड न्यूट्रिएंट। ठीक है, तो मैग्नेटिज्म, मैग्नेट रिलेटेड कुछ टाइम होगा, सो जो मैग्नेटिज्म है दैट इज इंक्लूजन बॉडी ऑफ आयरन ऑक्साइड Fe3O4, कितना इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप देखिए बैक्टीरिया आयरन ऑक्साइड को एक्यूमुलेट करके रखा है अपने बॉडी में, सो ये क्या है, देखिए एक एग्जांपल है, मैग्नेटोस्पाइरिलम मैग्नेटोटैक्टिकम एक्ट्स लाइक मैग्नेट, यहाँ पे देखिए पूरा मैग्नेट, और ये क्या होता है अलाइन हो जाता है जो अर्थ के फील्ड है, और ये जो मैग्नेट इनके जो सेल में ये आयरन ऑक्साइड को एक्यूमुलेट करते हैं, सो इट्स लाइक एक्ट लाइक ए मैग्नेट, और क्या होता है उनके साथ साथ ये पूरा ओरिएंट कर लेते हैं अपने आप को, सो दिस मैग्नेटिज्म, नाम से पता चल रहा है आयरन ऑक्साइड, पता होना चाहिए कौन सा चीज़ एक्यूमुलेट होता है, दैट इज आयरन ऑक्साइड।
और एक चीज़ रहता है साइनोबैक्टीरिया में, तो जो साइनोबैक्टीरिया में प्रेजेंट रहता है दैट इज नोन एज साइनोफाइसिन। पर साइनोफाइसिन में आपका अमाइनो एसिड जो रहता है दैट इज ये एक टिपिकल मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, जो अमाइनो एसिड प्रेजेंट रहता है इक्वल अमाउंट ऑफ अमाइनो एसिड दैट इज आर्जिनिन, आर्जिनिन एंड एस्पार्टिक एसिड, दिस आर्जिनिन एंड एस्पार्टिक एसिड आर प्रेजेंट इन साइनोबैक्टीरिया, एस्पार्टिक एसिड, आर्जिनिन एंड एस्पार्टिक एसिड, ये क्या होता है साइनोफाइसिन ग्रैनुल में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। एंड और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो एस्पार्टिक एसिड और जो आर्जिनिन है जो साइनोफाइसिन ग्रैनुल में पाया जाता है, इट इज़ नॉन राइबोसोमली प्रोड्यूस अमाइनो एसिड, प्रोड्यूस्ड अमाइनो एसिड साइनोबैक्टीरिया में साइनोफाइसिन। अब एंडोस्पोर, नेक्स्ट टॉपिक हमारा एंडोस्पोर, एंडोस्पोर में मैंने बहुत कुछ यहाँ पे हाईलाइट किया है पर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जब आप देखोगे कि जैसे मैंने बोला हार्श एनवायरनमेंट में, हार्श कंडीशन में क्या होता है, बैक्टीरिया डॉर्मेंट फेज में, एक टर्मिनोलॉजी आप सुनेंगे डॉर्मेंट, एक है एक्टिव जो मेटाबॉलिकली एक्टिव स्टेट है और एक है डॉर्मेंट। अब डॉर्मेंट फेज में क्या होता है, बैक्टीरिया मेटाबॉलिकली इनएक्टिव हो जाता है। और ये एंडोस्पोर है, इट इज़ हीट, इट इज़ रेडिएशन सेंसिटिव, नो है, ये क्या होता है, हीट रेडिएशन ये इन सब चीज़ों से बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करते हैं। एंडोस्पोर, रेस्टिंग एंडोस्पोर, क्लॉस्ट्रिडियम बैसिलस, सटेलिन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया मोस्टली, जब एसेंशियल न्यूट्रिएंट डिप्लीट हो जाते हैं तो दे फॉर्म, अब वाटर को प्रिजर्व करना है, न्यूट्रिएंट को प्रिजर्व करना है, सो दिस एंडोस्पोर आर फॉर्म। एंड एंडोस्पोर में जहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है दैट इज द प्रेजेंस ऑफ डाइपिकोलिनिक एसिड, कैल्शियम डाइपिकोलिनिक एसिड। एंड ये जो जैसे मैंने बोला एविडेंस इंडिकेट दैट डीपीए प्रोटेक्ट्स एंडोस्पोर अगेंस्ट डीएनए डैमेज, मैंने वैसे बोला रेडिएशन हीट ये सबसे बहुत इनसेंसिटिव होता है एंडोस्पोर। ये क्या होता है, हाईली डिहाइड्रेटेड कंडीशन में होता है, डिहाइड्रेटेड मतलब पानी नहीं रहता है, उसके साथ साथ जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी है, अब एंजाइमेटिक एक्टिविटी है सो दे ऑल्सो डिक्रीजेस दिस एंजाइमेटिक एक्टिविटी, और उसके साथ साथ आप कुछ एसेंशियल चीज रह जाता है जैसे आरएनए, राइबोसोम, दिस आर द एसेंशियल चीज। जब आप बैक्टीरिया को रिवाइव करेंगे, जब बैक्टीरिया को ऐसे कंडीशन मिलेगा जैसे एक हार्श कंडीशन है, एक है नॉर्मल जहाँ पे न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है, अब ये हार्श से नॉर्मल में आना है तो इन दस केस दिस बैक्टीरिया शुड हैव सर्टेन काइंड ऑफ थिंग्स ऑलमोस्ट प्रेजेंट इन देम टू, यहाँ पे अगर नॉर्मल सेल में अगर फूड मिल रहा है तो रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन बढ़ाना पड़ेगा, सो दैट्स व्हाई दे कीप दिस राइबोसोम एंड फ्यू एसेंशियल इन्जाइम, बहुत कम रहता है पर जो बहुत एसेंशियल है जैसे डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए सिंथेसिस के लिए। सो दिस आर द एसेंशियल कंपाउंड्स दैट प्रेजेंट इन एंडोस्पोर, एंडोस्पोर कैल्शियम डाइपिकोलिनिक एसिड, यहाँ पे देखिए ये डाइपिकोलिनिक एसिड और यहाँ पे कैल्शियम कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ कैल्शियम भी एक्यूमुलेट होकर जो कोट बनाता है, जैसे जो एंडोस्पोर का पूरा एंडोस्पोर जो बना होता है दैट इज मेड अप ऑफ डाइपिकोलिनिक एसिड, उसके साथ साथ कैल्शियम क्या होता है, इट्स काइंड ऑफ नेगेटिव और पॉजिटिव इंटरेक्शन होने से एक कैल्शियम डाइपिकोलिनिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है, एंड दिस कैल्शियम डाइपिकोलिनिक एसिड इज कन्फर्स प्रोटेक्टिव फीचर्स टू दिस एंडोस्पोर। एंड एंडोस्पोर ग्राम पॉजिटिव में पाया जाता है मोस्टली, जैसे बैसिलस, यहाँ पे जैसे बैसिलस और क्लॉस्ट्रिडियम में, ठीक है। और एंडोस्पोर का एक देखिए कंसेप्ट कैसे बनता है, देखिए दिस इज एंडोस्पोर ऑफ बैसिलस सब्सीज, देखिए मेटाबॉलिकली इनएक्टिव स्टेट में पहुंच जाएगा और उसके साथ जब ये दिस एंडोस्पोर विल स्पोरुलेशन प्रोसेस जो होता है, स्पोरुलेशन इन द प्रोसेस ऑफ एंडोस्पोर फॉर्मेशन, देखिए बैक्टीरियल डीएनए क्रोमोसोम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहाँ पे एक स्पोर्स एक सेप्टम बन जाता है और क्या होता है वो पूरा सेपरेट कर देता है, सो दिस होल बैक्टीरिया विल बी सेपरेटेड फ्रॉम दिस सेल वॉल क्रिएट हो जाएगा और उनके बीच में और एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन सराउंड होके, उसके साथ साथ देखिए ये जो एंडोस्पोर बन रहा है, देखिए पेट्राग्लाइकन लेयर बना, एक न्यूक्लिक एसिड डीएनए ये सब एक पूरा सेपरेट होके जो आपका जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का जो एसेंशियल कंपोनेंट है जैसे न्यूक्लिक एसिड, ये अगर रिवाइव करके इनको अगर आप न्यूट्रिएंट मीडियम में छोड़ देते हैं ना तो ये लोग रिवाइव होकर फिर से बैक्टीरिया जनरेट करना शुरू कर दे, मतलब मेटाबॉलिकली एक्टिव स्टेट में पहुंच जाएगा। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ एंडोस्पोर फॉर्मेशन विच इज ऑल्सो नोन एज स्पोरुलेशन, एक स्पोर जैसा बन रहा है, जैसे देखिए पेप्टाइडोग्लाइकन, नया पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर बन गया, उसके साथ साथ कैल्शियम डाइपिकोलिनिक एसिड का एक्युमुलेशन स्टार्ट हो जाएगा और क्या होता है, हो जाता है एंडोस्पोर फ्री फ्रॉम द सेल, मेटाबॉलिकली एक्टिव स्टेट में जब ये जाएंगे तब ये फिर से रिवाइव होकर फिर से नया बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर सकते हैं, दे हैव दिस कैपेबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग मेटाबॉलिकली एक्टिव कंडीशन में, जब न्यूट्रिएंट डिस कंडीशन में आएंगे तो दिस एंडोस्पोर विल जनरेट मोर नंबर ऑफ प्रोजेनी एंड विल कंटिन्यू द लेगेसी ऑफ बैक्टीरिया फॉरवर्ड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज बैक्टीरिया पीडियन फिल्री, फ्लैजेला से थोड़ा सा छोटा है, शॉर्टर एंड स्ट्रेटर, थिनर एंड थिनर देन, तीन चीज शॉर्टर स्ट्रेटर एंड थिनर, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो जैसे मैंने बोला फ्लैजेला ऐसे कर्व्ड है, स्ट्रेटर यहाँ पे बोला स्ट्रेटर एंड थिनर, फ्लैजेला से बहुत थिन, उसमें क्या होता है पीली और पाइलस, और आपका जो पाइलस होता है और उसके साथ साथ आपका जो
फिम्बरी होता है, फिम्बरी सिंगुलर फिम्बरी, और ये पोल में रहता है। देखिए ऑकर्स एट द पोल ऑफ बैक्टीरियल सेल एंड इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, यहाँ पे देखिए चारों तरफ में मिल सकता है चारों तरफ। और इनका एक काम होता है फॉर्मिंग, जैसे मैंने बोला कि आप अगर बायोफिल्म फॉर्मेशन करना है वी हैव टू एडहेयर टू अ सर्टेन सेल सरफेस। जैसे मैंने बोला वहाँ पे ग्लू की तरह ग्लाइकोकैलिक्स का काम कर रहा था, अब यहाँ पे तुम जैसे ये ग्लाइकोकैलिक्स अगर कुछ बैक्टीरिया में नहीं है, दिस इज अ टिपिकल फीचर्स ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया, इफ सर्टेन बैक्टीरिया दे डू नॉट कंटेन अ ग्लाइकोकैलिक्स वांट टू एडहेयर टू अ स्पेशल काइंड ऑफ सेल सरफेस टू कॉलोनाइज एंड टू फॉर्म बायोफिल्म, दे हैव दिस फिम्बरी एंड पाइलस लाइक स्ट्रक्चर। अब पाइलस क्या होता है स्लाइटली, यहाँ पे देखिए पिली को ही फिम्बरी बोला जाता है बहुत सारे केसेस में। पाइलस में क्या होता है सिंगुलर में पाइलस लॉन्गर देन सर्टेन फिली एंड नंबर ओनली वन और टू पर सेल, पिली इन्वॉल्व इन मोटिलिटी ऑफ डीएनए एंड सेक्स पिलाई, जब बैक्टीरियल कंजुगेशन पढ़ते हैं ए प्लस ए माइनस एच एफ आर एच एफ आर हाई फ्रिक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट, ये जो कंसेप्ट पढ़ते हैं दैट कंजुगेशन बैक्टीरियल सच पिलाई इज नोन एज कंजुगेशन, दैट इज ऑल्सो डन बाय द पाइलस और द पिलाई। सिंगुलर में पाइलस बोला जाता है, प्लूरल में पाइलाई पिलाई, एंड इट इज इन्वॉल्व इन द मोटिलिटी डीएनए ट्रांसफर ट्विचिंग मोटिलिटी ग्लाइडिंग मोटिलिटी हमें अभी कंटिन्यू स्पाइरोकिटी में देखा जाता है। तो फ्लैजेला से फ्लैजेला जो है आप देख सकते हैं ये ऐसे स्पाइरल शेप्ड होता है और लॉन्गर होता है पाइलस से सिक्स पाइलस से, ठीक है, जो जैसे मैंने बोला लॉन्ग फिलामेंटस अपेंडेजेस और बेस्ड ऑन द फ्लैजेलल अरेंजमेंट मोनोट्रिकास एम्फीट्रिकास लोफोट्रिकास और पेरिट्रिकास में क्लासिफाइड है बैक्टीरिया। मोनो मतलब एक नाम से पता चला, एम्फी मतलब बोथ साइड में ये रहा एम्फी, लोफो मतलब टप टप फ्लैजेला, डायरेक्ट क्वेश्चन आया था लोफोट्रिकास 2019 गेट में, और पेरिट्रिकास मतलब पूरा पेरीफेरी में, पेरिट्रिकास मतलब अराउंड, ये है पेरिट्रिकास बैक्टीरिया। तो लोफो मीन्स टफ्ट, टफ्ट एक बैक्टीरिया जो एक एक जैसे पूंछ की तरह दुम की तरह मोटा पूंछ लगा दिया, इसके दो एक ही हैं, इसका चार दो पांच छह हैं, बहुत सारे लोफो मीन्स टफ्ट, एक ऐसे बहुत सारे एक साथ टफ्ट द क्रिएटर टफ्ट लाइक थिंग। अब अल्ट्रास्ट्रक्चर जब देखेंगे यहाँ पे और एक चीज़ याद रखना है दैट इज एल पी एस एम रिंग, एल इज प्रेजेंट इन द आउटर मेम्ब्रेन, पी पी पेरिप्लाज्मिक स्पेस और पी रिंग यहीं से आता है, और जो आपका जो बेसल बॉडी दैट इज कंस्टिट्यूटेड ऑफ एम एंड एस रिंग, उसके साथ साथ और एक रिंग रहता है दैट इज सी रिंग, जो क्या होता है बेसल बॉडी, जो बेसल बॉडी है जो आपका जो सेल साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है और जो आपका फ्लैजेला का जो बेसल बॉडी है, दिस फ्लैजेला का जो बेसल बॉडी है एल पी एस एम रिंग, ऐसे करके याद रखिए। फ्लैजेला का जो प्रोटीन है उसका नाम है फ्लैजेलिन, पाइलस का जो प्रोटीन है दैट इज नोन एज पिलिन, नाम से ही पता चला फ्लैपिलिन का, पाइलस का प्रोटीन का नाम है पिलिन पिलिन, फ्लैजेला का प्रोटीन का नाम है फ्लैजेलिन, एंड इट इज मोस्टली कंपोज ऑफ बेसल बॉडी में, जैसे बेसल बॉडी उसके साथ साथ आपका जो फिलामेंट और हुक, हुक बेसल बॉडी और आपका फिलामेंट, फिलामेंट हुक एंड बेसल बॉडी, फिलामेंट हुक एंड बेसल बॉडी, ठीक है। और फ्लैजेलर मूवमेंट कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी देख लीजिए, फॉरवर्ड रन, टम्बल मीन्स घूम जाना, ऐसे जैसे टम्बल मतलब अपना जब मोटिलिटी चेंज करना है, जब डायरेक्शन चेंज करना है, जैसे स्विमिंग, जैसे फिश में भी आप देखेंगे वो ऐसे पूछ लेते हैं फिर सामने की तरफ जाता है, ये बैक्टीरिया में सेम, ये फ्लैजेलर क्या करता है, ये प्रोवाइड्स मोटिलिटी टू द सेल बैक्टीरिया सेल सरफेस, और टम्बल मतलब आप जब डायरेक्शन चेंज करना होता है दे टम्बल, सो दिस मूवमेंट इज नोन एज टम्बल। और जैसे रन, ये रन रन मतलब भागना एक तरफ, जैसे स्ट्रेट पेरिट्रिकस मोटिलिटी, अब टम्बल मतलब देखिए ये अपना जो ओरिएंटेशन है वो चेंज कर रहा है, इस तरफ पहले भाग रहा था अब घूम के इस तरफ भागना चाहता है, तो दे दिस बैक्टीरियल सेल विल टम्बल, दिस मूवमेंट इज ऑफ फ्लैजेला इज नोन एज टम्बल, एंड रन तो सामने की तरफ भागना, रन एंड टम्बल, टम्बल इज फॉर चेंजिंग द ओरिएंटेशन एंड रन इज टू स्ट्रेट मूव स्ट्रेट फॉरवर्ड। और एक चीज़ देखिए जैसे मैंने बोला एल पी एस एम रिंग, बेसल बॉडी, हुक और आपका फ्लैजेला फिलामेंट, तो उसका जो मेकानिज्म है दैट इज मेनली जनरेटेड बिया भाया दिस प्रोटोन पंपिंग, यहाँ पे देख सकते हैं मॉट ए बी और आपका जो फील्ड ये फील्ड है सी रिंग है, इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, जो मॉट प्रोटीन है ये आप याद रख सकते हैं, जैसे मरना मैंने बोला एल पी एस एम रिंग और उसके साथ साथ जो मॉट प्रोटीन है दैट इज इन्वॉल्व इन द प्रोटोन पंपिंग। तो फ्लैजेला में दो तीन चीज़ें याद रखना है, एल पी एस एम रिंग डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, रान एंड टम्बल, मोनोट्रिकस लोफोट्रिकस एम्फीट्रिकस पेरिट्रिकस नाम से पता चल जाएगा आपको, पाइलस का प्रोटीन का नाम है पिलिन, फ्लैजेला का प्रोटीन का नाम है फ्लैजेलिन। और केमोटैक्सिस, केमोटैक्सिस इज अ प्रोसेस वहाँ पे आप जैसे सपोज यहाँ पे कुछ केमिकल अट्रैक्टेंस है तो बैक्टीरिया क्या करेगा, जैसे जब रैंडम जब नॉर्मल जैसे आप ब्राउनियन मोशन पढ़ते हैं ना, तो बैक्टीरिया का जो मूवमेंट होता है दैट इज ऑल्सो ए रैंडम मोशन, जब अगर कोई एसेंशियल कुछ केमिकल अट्रैक्टर नहीं है, कुछ रिपेलेंट नहीं है, सो दे विल मूव लाइक अ रैंडम, दिस रैंडम मोशन विल बी कन्वर्टेड इनटू ए काइंड ऑफ डायरेक्शनल मोशन बेस्ड ऑन दिस केमिकल अट्रैक्शन नोन एज केमोटैक्सिस। जैसे आप देख सकते हैं ये ग्रेडियंट ऑफ केमिकल अट्रैक्शन, तो ये जो पूरा रैंडम मूवमेंट था इट्स काइंड ऑफ अभी डायरेक्शनल में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे देखिए टम्बल, टम्बल मीन जैसे मैंने बोला कि डायरेक्ट डायरेक्शन चेंज करना है, यहाँ डायरेक्ट स्ट्रेट चल रहे थे अब घूमना है थोड़ा इस तरफ जाना है, रन करना है सामने जाना है, तो दिस इज नोन एज रन एंड दिस इज नोन एज टम्बल, ठीक है, रन एंड टम्बल, ये टम्बल एंड दिस इज रन,
और एक चीज होता है स्पाइरोक्रिट इमोर्टैलिटी, जैसे स्पाइरोक्रिट देखोगे पेरिप्लाज्मिक फ्लैजेला करके एक रहता है, उसमें क्या होता है जो जो फ्लैजेला है दैट इज प्लेस्ड बिटवीन द सेल वॉल एंड द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। इसलिए पेरिप्लाज्म का बात किया था हमने ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, जो स्पेस है उसको पेरिप्लाज्मिक स्पेस बोलते हैं। जो फ्लैजेला है वो देखिए यहाँ पे देखिए उसके अंदर ही फंसा हुआ है, दिस फ्लैजेला इज प्रेजेंट इन इनसाइड दिस सेल वॉल एंड साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, दिस इज नोन एज पेरिप्लाज्मिक फ्लैजेला और एक्सियल फिलामेंट व्हिच इज प्रेजेंट इन स्पाइरोक्रिट ओनली। ठीक है, अब और एक पॉइंट पढ़ लेते हैं बैक्टीरियल साइटोस्केलेटन। बैक्टीरियल साइटोस्केलेटन जैसे हम सब जानते हैं लैमिन, लैमिन इज न्यूक्लियर साइटोस्केलेटन जो एक काइंड ऑफ फ्रेमवर्क, जैसे हम स्केलेटन क्या करते हैं हमारे बॉडी को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, नहीं तो हमारा हाथ हाथ जैसे नहीं रहेगा। सो बैक्टीरियल साइटोस्केलेटन बैक्टीरिया को बैक्टीरिया की तरह रखने के लिए बैक्टीरिया हैव साइटोस्केलेटन व्हिच इज कंपोज्ड ऑफ फिट जी, टब जी, एमआरई बी। दिस आप दो तीन पॉइंट याद रखना, दैट इज दिस एफटीएस जेड, दिस इज हेल्प इन सेल डिविजन, ये बहुत एक अच्छा एंटी माइक्रोबियल ट्रीटमेंट है जो अभी डेवलपमेंटल प्रोसेस में है। एमआरई बी विच इज एक्टिंग होमोलॉग, और एक चीज़ है होमोलोगस ट्यूबुलिन, एक्टिन क्या है एक्टिन, एक्टिन मायोसिन कॉन्ट्रैक्टाइल माइक्रोफिलामेंट है, और जो ट्यूबुलिन है माइक्रो ट्यूबुल है, ट्यूबुलिन होमोलॉग है एफटीएस जेड, और इंटरमीडिएट फिलामेंट दैट इज इंटर माइक्रोफिलामेंट और माइक्रो ट्यूबुल के बीच में आता है इंटरमीडिएट फिलामेंट, और उसका है क्रिसेंटिन, और यूनिक बैक्टीरियल प्रोटीन मीन डी और पारे। आप ये नाम थोड़ा बहुत याद रख सकते हैं क्योंकि मैच द फॉलोइंग में अगर क्वेश्चन पूछ ले डायरेक्ट, ऐसे भी पूछ सकते हैं कि बैक्टीरियल ट्यूबुलिन होमोलॉग प्रोटीन इज एफटीएस जेड, एमआरई बी और मीन डी, देन यू हैव टू टिक एफटीएस जेड व्हिच इज अ ट्यूबुलिन होमोलॉग। आप देखिए ये जो 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 जेड टर्म है टब जेड और एफ डी एफ जेड, ये ट्यूबुलिन होमोलॉग का नाम है, या ऐसे भी याद रख सकते हैं जैसे एफ टी एस जेड में टी आता है एफ टी एस जेड, तो टी फॉर ट्यूबुलिन। अब हमारी एक्टिन होमोलॉग में ऐसा कुछ नहीं है, हमारी बी पार एम एम ए के एक्टिन होमोलॉग में आप हमारी नाम से याद रख सकते हैं एफ डी एस जेड एफ टी ए टी फॉर ट्यूबुलिन, ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो दिस इज इंपॉर्टेंट बैक्टीरियल साइटोस्केलेटन। क्रिसेंटिन इंटरमीडिएट फिलामेंट का होमोलॉग होता है, यहाँ पे देखिए एमआरई बी एफटीएस जेड ऐसे रिंग बना लेता है और क्रिसेंटिन ऐसे प्रेजेंट रहता है इंटरमीडिएट फिलामेंट, और एमआरई बी इट इज प्रेजेंट इन दिस बैक्टीरियल सेल विच आर द एक्टिन होमोलॉग। सो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, कहीं भी पूछ सकते हैं जब बैक्टीरियल सेल डिवीजन भी पढ़ोगे आप, माइक्रोबियल ग्रोथ में भी ये कॉन्टेक्स्ट आता है बैक्टीरियल जो आपका जो साइटोस्केलेटन प्रोटीन है बैक्टीरिया में भी, इट वॉज क्वाइट निगलेक्टेड बट अभी बहुत सारे रिसर्च चल रहा है बैक्टीरियल साइटोस्केलेटन पे, क्रायोइलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के थ्रू विजुअलाइज करने की कोशिश किया जा रहा है बैक्टीरियल साइटोस्केलेटन को। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, इट इज़ अ इमर्जिंग कॉन्सेप्ट। दूसरा है इंटर साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। बैक्टीरिया जो है आप देखिए, और एक चीज़ ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी एक देख लेते हैं, हम सब जानते हैं बैक्टीरियल सेल वन ऑफ द मोस्ट सिंपलर थिंग, जब एवोल्यूशन हम पढ़ते हैं बैक्टीरिया बहुत पहले आया है, उसके बाद यूकैरियोटिक सेल को यूकैरियोटिक सेल्स आर इवॉल्व। सो जो इंटरनल कॉम्प्लेक्स मेम्ब्रेन जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में किस्टी, ये सब जो माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन है जो स्पेशलाइज हो चुके हैं यूकैरियोट में परफॉर्मिंग सर्टेन काइंड ऑफ सिंथेसिस, माइटोकॉन्ड्रिया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज करते हैं। तो सेम कॉन्टेक्स यहाँ पे देखिए, एक्सटेंसिव कॉम्प्लेक्स अगर इंट्रासाइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन आपको देखना है दैट इज प्रेजेंट इन मोस्टली लाइक 95 बैक्टीरिया, और दोज बैक्टीरिया दे दोज हैव हाई रेस्पिरेटरी एक्टिविटी, रेस्पिरेटरी एक्टिविटी इन द सेम इन कंटेक्स्ट जैसे माइटोकॉन्ड्रिया पार्टिसिपेट करते हैं रेस्पिरेटरी एक्टिविटी में, देन दिस काइंड ऑफ बैक्टीरिया हैव सर्टेन काइंड ऑफ स्ट्रक्चर विच आर नोन एज साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन और इन द प्रेजेंस ऑफ यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स काम है कॉम्प्लेक्स मेम्ब्रेनल ऑर्गेनिज्म है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज दिस इंट्रा साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लास्ट का, एक है एपिलिबिसन फिसेलसोनी, एक है थाई मार्गरेटा नेमिबियंसिस। क्वेश्चन लगभग आप बहुत सारा जगह देखोगे डायरेक्टली जो एक नंबर का क्वेश्चन मिलता है, दिस बैक्टीरिया विच इज द लार्जेस्ट बैक्टीरिया, सो दिस लार्जेस्ट बैक्टीरिया इज वन ऑफ द मोस्ट लार्जेस्ट नोन प्रोकैरियोट इज थाई मार्गरेटा नेमिबियंसिस, और उससे पहले था 600 नैनोमीटर का एपिलिबिसन फिसेलसोनी 400 to 750, और ये है एक लार्ज सल्फर केमोलिथोट्रॉफ, ये भी आप याद रख सकते हैं, ये भी पूछता है कभी कभी। उसके साथ साथ देखिए ये इसका स्ट्रक्चर भी देख लिया जैसे गोल गोल 400 to 750 नैनोमीटर। तो चैप्टर यहीं पे खत्म होता है, उसके बाद हम प्रीवियस की डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको समराइज कर देता हूँ, आपको सेल वॉल जरूर से जरूर पढ़ना है, यहाँ पे देख लीजिए आप सेल वॉल जरूर से जरूर पढ़ना है। सेल वॉल में ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, मैंडेटरी है। आप देखेंगे कितना सारा क्वेश्चन यहाँ से रिपीटेड होता है। उसके साथ साथ आप सेल मेम्ब्रेन में जो प्रेजेंस ऑफ होपानॉइड, होपानॉइड भूलना नहीं है, ये रट जाएगा मेरे साथ ही रट लीजिए होपानॉइड, जब देखेंगे होपानॉइड कोलेस्ट्रॉल यूकैरियोटिक में होपानॉइड सेल प्रोकैरियोट में। फिर हमने पढ़ा आपका इंक्लूजन बॉडीज के बारे में, इंक्लूजन बॉडी में आपका जो स्टोरेज मटेरियल है जैसे पॉलीफॉस्फेट सल्फर है ना, इनके बारे में आप थोड़ा देख लीजिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है मैच द फॉलोइंग टाइप, कैल्शियम डाइपिकोलिनिक एसिड जो एंडोस्पोर है, पिकोलिनिक एसिड देखिए मैं रख चुका हूँ कैल्शियम डाइपिकोलिनिक एसिड प्रेजेंट इन द एंडोस्पोर, एंडोस्पोर का जो कंसेप्ट है बैसिलस क्लॉस्ट्रियम में, ये हीट रेजिस्टेंस होता है, उनके साथ साथ रेडिएशन रेजिस्टेंट होता है। और एक चीज़ है फ्लैजेला, फ्लैजेला से क्वेश्चन पूछा जाता है, एल पी एस एम रिंग एक है फ्लैजेलिन प्रोटीन से बना हुआ रहता है,
एक है पाइलास, सिक्स पाइलास कॉन्जुगेशन में हेल्प करते हैं, पिलिन प्रोटीन में पिलिन प्रोटीन, फ्लैजिलिन में फ्लैजिलिन प्रोटीन, एलपीएसएम रूल, आपका बेसल बॉडी हुक और फिलामेंट, बेसल बॉडी हुक और फिलामेंट। इस स्ट्रक्चर को आप एक बार अच्छे से देखना, और ये जो आपका जो फ्लैजिला का स्ट्रक्चर है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। हमने फिर पढ़ा साइटोस्केलेटन होमोलॉग के बारे में, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट बन गया है अभी रिसेंट, बहुत दिन से क्वेश्चन नहीं पूछा है, मतलब क्वेश्चन अभी तक उतना नहीं पूछता है, पर दिस साइटोस्केलेटन होमोलॉग इन जैसे ट्यूबुलिन एक्टिन का होमोलॉग कौन कौन सा बैक्टीरियल सेल में प्रेजेंट होता है। सेकेंड इज आपका जो लार्जेस्ट बैक्टीरिया याद रखना है एपिलेपिसम फिसेल्सोनी, उसके साथ साथ थायमर ग्रेटा नेमी, लार्जेस्ट बैक्टीरिया को आपको याद रखना है थायमर ग्रेटा नेमीबियंसिस एंड एपिलेपिसम फिसेल्सोनी। ठीक है, तो सेल वाल, सेल मेम्ब्रेन, उपानोइड, इंक्लूजन बॉडी, कैल्शियम डाइक्लिकोनिक एसिड, फ्लैजेला, पाइलास, यहीं से क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन और नहीं जाएगा कहीं दूसरी जगह, मेरा गारंटी है। आप एग्जाम देने के बाद मुझसे बात कीजिएगा, देखना कितना आसानी से ये क्वेश्चन हो रहा है। देखिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए